अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। दोस्तों जब भी ऊपर आया तो बकरी का गेट खुला हुआ था इनका, बकरियों के पोषण का, और ये वाली बकरी बाहर घूम रही थी। इसने पूरी मेरी स्टिक चबा ली है और बुरी तरह इसने हर चीज़ को तहस नहस कर दिया है। सब चीज़ें गिराई हुई हैं यहाँ पे, हर चीज़ फैलाई हुई है। तो ये जो बकरी है ना हमारी, बड़ी शरारती है। कबूतर का बच्चा देखते हैं, वो रहा हमारा कबूतर का बच्चा, बड़ा हो चुका है काफ़ी माशाल्लाह से, नीचे आ चुका है। दूसरा वाला भी देखेंगे ऊपर जाके। इनको तो देखो, सबर कर जाओ तुम लोग, सबर कर जाओ, इतना शोर कर रही है ना ये, इनको चारा चाहिए। तो अभी मैं इनको दाना वगैरह दे देता हूँ, लेकिन ये मैं जैसे ही घूमता हूँ ना, ये मुझे अपनी तरफ आवाज़ वगैरह लगा के मुतवज्जा करती हैं। तो कबूतर हमारे बिल्कुल भूखे हो रहे हैं, तो पहले इनको मैं दाना दे दूँ। वहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, सब चीज़ इन्होंने उल्टी सीधी कर दी है, हर चीज़। तो अभी मैंने मुर्गियों को दे दिया यहाँ पे, अब मैं कबूतरों को दे दूँ। आज मैं इनको ये दूसरी चीज़ दे रहा हूँ, ये ठंड ज़्यादा है ना, तो थोड़ी सी ये गर्म होती है। सबर बच्चा हो यार, उन लोग भी मुर्गियों की तरह ही करते हो। वो देखिए हमारा बच्चा बैठा हुआ है, ये दाना खा रहा है माशाल्लाह से, इसको तो मैं दाना खिलाता हूँ। फिर दाना खा रहा है, तुमने दाना क्यों ना खिलाऊं उसको। ये माशाल्लाह से बिल्कुल जेट ब्लैक आ रहा है भाई। दोस्तों ये कबूतर तो बहुत प्यारा आ रहा है, और सब कलर देखिए बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। अभी मैं इसको दाना खिलाता हूँ। आजा आजा आजा, अरे तुम खाओ दाना। खाना नहीं खा रहा ये। अरे माशाल्लाह से, माशाल्लाह से अपने के साथ खाने लगा, खाने लगा है। दोस्तों इतना छोटा सा है लेकिन ये दाना खाने लगा है, तो इसका मतलब है ये सेल्फ फीड पे भी आ गया है। चुग रहा है दाना, चुग रहा है। हम अपना दूसरा वाला कबूतर देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम अपना ये वाला कबूतर बच्चा देखते हैं, जो बिल्कुल ब्लैक सा आया है। इसकी भी बहुत अच्छी सी आई है भाई, माशाल्लाह से बिल्कुल जेड ब्लैक आया है, इसकी तरह अपनी माँ की तरह ना। ये इसकी माँ है, अपनी माँ से चारा नहीं मांग रहा है, अपनी माँ से दाना नहीं मांग रहा है। अब मांग रहा है, अब मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है। ये यही है इसकी अम्मा, बिल्कुल अपनी अम्मा पे आया है, ब्लैक, बिल्कुल जेट ब्लैक। वो छोटा वाला बच्चा देखें खाने में मगन है, वो खुद से खाने लगा है। ये भाई, ये भाई। चलो भाई सब दे दीजिए, यहाँ पे भी डाल दो। ये अपने बच्चे को खिला देगी, जब खा लेगी यहाँ से, तो यहाँ से जाने के बाद ऊपर चली जाएगी। ये रे छोटू, छोटू ये लगे हुए, अरे भाई छोटू ये करे हुए, ये रे दाना खा रहा है, दाना खा रहा है, उठा रहा है भाई दाना, माशाल्लाह से दाना उठा रहा है देखे भाई दोस्तों। लेकिन इसके ना एक पता नहीं क्या परों पर निकल रहा है इसके, उठा रहा भाई दाना, उठा रहा माशाल्लाह भाई, वाह माशाल्लाह, खुद दाना उठा रहा है ये, इतना छोटा सा है लेकिन दाना उठा रहा है। चलो भाई बाहर चले, चलो भाई तुम तो हटो। इसको दे दूँ यार, दकीस बारी बहुत भूखी हो रही हैं, और मुर्गियों को भी दे दूँ, ये सारी दरी आ जाएंगी। हटो, चलो हटो,
आओ आओ डगीज आओ डगीज आओ आओ डगीज डगीज आओ आओ डगीज ये डगीज सारी इधर आ जाएंगे आओ डगीज आओ डगीज आओ डगीज वो भी आई भागती थी वो भी आई भागती थी। चलो बेटा किसी यहाँ पे खा लो तुम लोग, मैं इनको यहाँ पे संभालता हूँ, इनका तो काम ही लड़ना है। दोस्तों डकीस को मैंने वहाँ दे दिया है और मुर्गियों को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। वो अब दाना खा रहा था जब मैं अंदर था, तो अब वो मांगने लगा है अपने अम्मा अब्बा से। तो हम अपनी वाइट वाली बकरी को ये दे दें छिलका और दाना। यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि ये सब आएंगी खाने के लिए। जल्दी खा लो यार, तुम नखरे नहीं करना। दोस्तों ये नखरे बहुत करती है ना, तो इसलिए मैं इसके पास बैठ गया थोड़ी देर, वरना ये सब आ जाएंगी। ये दोस्तों बकरियों को चारा दे दिया है, मुर्गियाँ उन्हीं के साथ खा रही हैं। हर जगह घुसना होता है इनको, इनका जब तक ये पिंजरा नहीं बनेगा ना, ये हमारी जान नहीं छोड़ेंगी। जब तक इनका पिंजरा नहीं बनेगा ये हमारी जान नहीं छोड़ेंगी। और इसको देखेंगे कैसे चिपका हुआ है, इसको यहाँ पे आना है। वो बिल्कुल लाल वाली है ना, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। अभी उसको हटाता हूँ मैं जाके। ये देखिए मारा उसको बकरी ने। कबूतरों को पानी देना है, फिर यहाँ से फारिग होकर बकरी को खिलाने के बाद अंदर जाना है, फिर अंदर वाले कबूतरों को दाना देना है और फिर शहर को अंदर का केजी, अंदर के केजेस दिखाऊंगा मैं आपको कहाँ तक हो गए और कितने रह गए। एक छोटा सा केज बना रहे हैं हम गिफ्ट करने के लिए किसी को, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों अभी चलते हैं उस बकरी के पास जो तंग हो रही है इससे। चलो दोस्तों अंदर आ गए हम, पहले तो बज्जीस को दाना देते हैं। पहले तो बज्जीस को दे दूँ मैं, फिर इन फिशर को दे दें, कबूतरों को दे दें, मैंने गुड्डू को यहाँ पे दाना दे दिया है। तो अभी खोला है मैंने और ये मेरे पीछे पीछे बिल्कुल घूम रहा है। दूसरे कबूतर भी आ गया इसका दाना खाने के लिए। मुझे वाइट वालों को पकड़ के अंदर करना है यार, आज दोनों वाइट वालों को लेकर जाना है यहाँ से। राजू भाई कबूतर पकड़ना है आज।